खान मृत्यु मामला सूरज पांचोली निर्दोष रे खलास। अभिनेता आदित्य पांचोली को पुआ हेउछंती सूरज पांचोली। मामलार सुनाणी करी सीबीआई स्वतंत्र कोर्ट ए राय सुनाइछंती। प्रमाण अभाव रु सूरज को कोर्ट निर्दोष रे खलास करिछंती। 2013 मसीहा जून 3 तारीख रे अभिनेत्री जिया खान को मृतदेह तांको घरु उद्धार होइतिला। अभिनेता आदित्य पांचोली को पुआ सूरज पांचोली जिया खान को आत्महत्या पई प्रवर्ताइबा नै अभियोग रहिथिला। मुंबई जुहू स्थित घरु झुलंता अवस्था रे उद्धार होइतिले जिया खान। मृत्यु पूर्व से एक 6 पृष्ठार चिठी लिखिथिले जहां को जबत करा जाय। सूरज पांचोली को विरोध रे चार्जशीट दाखल करा जायतिला आउ सीबीआई हर तदंत आरंभ करथिला। मुंबई पुलिस द्वारा जबत होइतिबा चिठी टी जिया खान लिखिथिले। सीबीआई दाबी करथिला जे पांचोली को जिया खान को सह अंतरंग संपर्क थिला। शारीरिक एवं मानसिक निर्यातना दिया जाउथवा अभियोग रहिथिला। स्वतंत्र सीबीआई जज उभय पक्षर चूड़ा जुक्ति सुनिबा परे गत सप्ताह मामलार राय को एप्रिल 28 तारीख जाए संरक्षित रखिथिले। कोर्ट को राय उपरे जिया खान को मां प्रतिक्रिया रखिछंती। हाईकोर्ट रे आवेदन करिबे बोली कहिछंती जिया खान को मां। एहा एक हत्या मामला बोली से कहिछंती। आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाइड, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहां पर एक कहीं चूक हुई है? मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द अबेटमेंट टू सुसाइड इज गॉन बट द मर्डर स्टिल इज हैंगिंग। वेल यस, व्हाई नॉट। आज स्पेशल कोर्ट सीबीआई ने जो वर्डिक्ट आस्क किया है, माय क्लाइंट हैज वन सिंपल लाइन, देयर इज अ डिलीवरी ऑफ जजमेंट बट द जस्टिस इज स्टिल अवेटेड। वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल जस्टिस एंड अकॉर्डिंग टू हर दिस वर्डिक्ट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस विच वॉज सपोज टू बी कलेक्टेड बाय सीबीआई। सीबीआई ने उनका काम ठीक से किया होता तो ये वर्डिक्ट शायद दूसरा होता। कॉज ऑफ डेथ वॉज मेन पॉइंट। कॉज ऑफ डेथ पे मेरे क्लाइंट ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सीबीआई को दिए थे। उस रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने ये भी बोला था कि कॉज ऑफ डेथ इज नॉट जस्ट द सुसाइड। जो सीबीआई के पास केस ट्रांसफर हुई थी, दैट ट्रांसफर वॉज ऑल्सो विद अ पर्टिकुलर रीजन कि ये कॉज ऑफ डेथ सुसाइड का नहीं है, देर इज समथिंग मोर देन सुसाइड। इन्वेस्टिगेशन वॉज नॉट कंटिन्यूड बाय सीबीआई इंडिपेंडेंटली, बट जो जू पुलिस स्टेशन ने मोटिव रखा, कॉज ऑफ डेथ रखा था अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का, उसी मुद्दे को आगे लेके गए। उन्होंने ये चीज और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना एक्सपेक्टेड था। जो विटनेसेस जू पुलिस स्टेशन ने रखे थे उन्हीं विटनेस के वापस स्टेटमेंट ले गए, जैसे आदित्य पंचोली को। एक ही अच्छी बात हुई कि सीबीआई ने एटलीस्ट डिपोजिशन में आदित्य पंचोली का नाम ड्रॉप किया, नहीं तो बेटे के केस के चार्ज में फादर को अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड किया नहीं क्या प्रूव करवाना, वो सीबीआई के लिए भी बहुत एम्बेरस होता था। तो लेट अस सी, अभी वर्डिक्ट हाथ में आएगा। हाँ, मेरे क्लाइंट ने अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आफ्टर रीडिंग जजमेंट और उसका क्या एनालिसिस है उसके ऊपर फिर आगे हाईकोर्ट की कार्रवाई शुरू करें। तो सूरज पांचोली निर्दोष रे खलास होइछंती। आपण सुनुथिले प्रतिक्रिया मध्य सामना को आसीछि। अभिनेत्री जिया खान मृत्यु मामला रे सूरज पांचोली निर्दोष रे खलास। अभिनेता आदित्य पांचोली को पुआ सूरज पांचोली। मामलार सुनाणी करी सीबीआई स्वतंत्र कोर्ट ए राय सुनाइछंती। ए सीबीआई स्वतंत्र कोर्ट रो सबुठु बडो राय। प्रमाण अभाव रु सूरज को कोर्ट रे निर्दोष रे खलास करा गला। 2013 मसिया जून 3 तारिख रे अभिनेत्री जिया खान को मृतदेह तांको घरु उद्धार करा गला। प्रशांत पांडे मुंबई प्रतिनिधि हम सहित सीधासलख लाइव जुड़ी होती। प्रशांत, जिया खान डेथ मिस्ट्री में स्पेशल सीबीआई कोर्ट का ये बहुत बड़ा राय, अपडेट बताइए, डिटेल्स में बताइए, अभी का क्या सिचुएशन है और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में सूरज पांचोली को अदालत ने बरी कर दी है। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि सबूतों के अभाव पे जो है सूरज पांचोली को बरी किया गया। उनकी जिया खान की माँ हमारे साथ है, राबिया जी। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आज अदालत ने फैसला दिया, आप इस फैसले को लेकर सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगी कि ये अबेटमेंट अभी था और ऑनरेबल कोर्ट ने
सही फैसला दिया है बिकॉज द प्रोसिक्यूशन डिड नॉट हैव एनी एविडेंस अगेंस्ट अबेटमेंट टू सुसाइड. सो थैंक गॉड दैट द सुसाइड स्टोरी इज ओवर एंड द स्टोरी दैट आई हैड बीन सेइंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि दिस इज अ केस ऑफ मर्डर. Now that needs to be established. इसके लिए आप ऊपरी अदालत में जाएंगे? Yes, I will go to High Court, Supreme Court, wherever I need to go. जो सूरज पांचोली के वकील है उनका कहना है कि जो सुसाइड नोट वाला एंगल है, उनका कहना है कि 3 तारीख को जो है सुसाइड हुआ और जो सुसाइड नोट है 7 तारीख को मिलता है. ये कहते हैं कि उन्होंने अपने तरफ से जो पक्ष रखा है कि जिया खान ने सुसाइड नोट लिखा ही नहीं. ये तो CBI ने establish कर दिया था ट्रायल में कि this was not a suicide note. आपका क्या मानती है? कोई 6 पन्ने लिख कर और अपनी नाइटी बदल कर और अपना मेकअप उतार के और अपना हाथ धोकर और सूली पे नहीं चढ़ेगा. आपने खुद जो है हाई कोर्ट में मांग की थी कि इस मामले की फिर से जांच की जाए शुरू से, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. साथ ही आपने FBI की भी मांग की थी जांच की. इन सारी चीज को लेकर क्या आपको मुंबई पुलिस प्रोसिक्यूशन विच इज CBI वॉज ऑल्सो सपोज टू बी इन द सेम बोट एज मी. वी आर आस्किंग फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड दे वर नॉट विथ मी, यू नो, यू अंडरस्टैंड मी, दे वर नॉट कोऑपरेटिव. सो दैट इज व्हाई इट हैड टू गो दिस वे. एक आखिरी सवाल, आपने शुरुआत से सवाल उठाया था जांच एजेंसियों पे, चाहे मुंबई पुलिस हो और बाद में CBI पे भी, तो आपको क्या लगता है किससे जांच होनी चाहिए आपको पूरा न्याय मिल जाएगा? वेल दैट आई विल थिंक प्रोबेबली द कोर्ट देमसेल्फ माइट हैव टू एस्टैब्लिश एन SIT और समथिंग व्हिच इज, यू नो, आई विल नो ओनली व्हेन द टाइम कम्स. देखिए, ये जिया खान की माँ राबिया खान थी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज जो फैसला अदालत ने लिया है, ये कह रही हैं कि हम शुरुआत से कहते थे कि आत्महत्या के लिए उकसाना ये मामला ही नहीं है, ये मामला मर्डर का है. इनका कहना है कि इनकी बेटी का हत्या किया गया और इसी चीज को लेकर के आज जो CBI अदालत ने अपना फैसला सुनाया है उससे लेकर के ये ऊपरी अदालत में इस फैसले को चैलेंज करेंगे और मांग करेंगी कि आगे चलकर जो मामला सूरज पांचोली पर चलाया गया है वो 306 का जो यहाँ से खारिज हुआ है उसे 302 में बदला जाए, नहीं मर्डर में बदला जाए. लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी राहत सूरज पांचोली को आज CBI कोर्ट से मिली है. 2013 से ये मामला शुरू हुआ था, तकरीबन 10 साल का वक्त बीत गया और आज 2023 में CBI अदालत ने सबूतों के अभाव पर सूरज पांचोली को यहाँ से बरी किया है. बिल्कुल प्रशांत, थोड़ा ये भी डिटेल्स में बताइए, 10 साल के बाद राय आया है, पूरा घटना क्या था, पूरा डिटेल्स में थोड़ा बताइए. जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 जून 2013 का वो समय है जब जिया खान ने जुहू में अपने घर पर आत्महत्या कर लिया था और उसके बाद जांच जो है शुरू की गई. तो जिया खान की मां राबिया खान, जिस तरह से अभी हमने उनसे बात किया, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस मामले में जिया खान को जो है परेशान किया गया और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया, तब जाकर के जिया खान ने आत्महत्या किया है. तकरीबन 2 से 3 दिन बीत जाने के बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले में जो है सूरज पांचोली की गिरफ्तारी की थी. फिर उसके बाद 14 दिन के गिरफ्तारी के बाद अदालत से जो है सूरज पांचोली को जमानत मिली थी. मामले की जांच मुंबई पुलिस ना करे और CBI को सौंपा जाए, ये मांग जो है राबिया खान ने किया था और यही वजह है कि 2014 में ये मामला जो है CBI को सौंप दिया गया. CBI में पूरा मामला चला, CBI ने इस मामले में 22 लोगों के जो है सबूत के तौर पर बयान दर्ज किए. साथ ही साथ जो सुसाइड नोट मिलने की बात है उसे फोरेंसिक लैब में टेस्ट कराया, घर में जो कुछ और नोट्स मिले थे उसे भी फोरेंसिक लैब में टेस्ट कराया और ये वेरीफाई किया कि ये हैंडराइटिंग क्या एक ही शख्स का ही या अलग अलग लिखा गया, क्योंकि ये तमाम पहलू थे जो जांच के थे. क्योंकि सुसाइड नोट 6 पन्नों की जो है वो जिया खान ने जिस दिन सुसाइड किया था उस दिन ना मिल करके कुछ दिन बाद जो है राबिया खान को मिला था, जिन्होंने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दी थी. यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में सबूतों के अभाव को जो है मुंबई प्रतिनिधि इतने आलोचना करू थे. प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए. अभिनेत्री जिया खान मृत्यु मामला सूरज पांचोली निर्दोष रे खलास होती, अभिनेता आदित्य पांचोली पुओ हो.